तो फाइनली आ गया हूँ मैं न्यूकासल में। 534 शेल्स ऑन द न्यूकासल। चलने से पहले जानते हैं न्यूकासल सिटी के बारे में। न्यूकासल सिटी इज लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स विद एरिया ऑफ 261.8 किलोमीटर स्क्वायर। न्यूकासल इज 169.6 किलोमीटर फ्रॉम सिडनी सिटी बाय ट्रेन। पॉपुलेशन ऑफ न्यूकासल इज 322,278। Newcastle is famous for its historic sites, viewpoint for sporting migrating whales, beaches, and known as a largest coal exporting harbor in the world. Today I am going to explore Newcastle Beach, Nobby Lighthouse, Nobby Beach, and Cannon Fort. तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। मैं पूरे अपने दिल के अंदर आपके लिए प्यार और मोहब्बत जगा के ये बात आपसे इज्जत के साथ मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। Danny, let's roll. What are you thinking? Pub? तो फाइनली आ गया हूँ मैं न्यूकासल में, जो इसका सबसे फेमस बीच है न्यूकासल बीच, और इसको हम नोबी बीच भी कहते हैं। नोबी बीच और लाइट हाउस, ये दो लोकेशन है जो आज हम कवर करने वाले हैं। बाकी ट्रेन से सीधा मुझे जो इनका था कि मेन स्टेशन था, वहाँ से मुझे लाइट ट्रेन मिल गई है, और लाइट ट्रेन से सीधा मैं आ गया हूँ बीच के पास। तो यहाँ से अराउंड 11 मिनट का डिस्टेंस होगा, उसके बाद हम सीधा अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। और आसपास आपको यहाँ पे छोटी मोटी कह सकते हैं कि मार्केट वगैरह दिख जाएगी। तो ओवरऑल लोकेशन बढ़िया है, मतलब एक तरह से मुझे साउथ ऑस्ट्रेलिया की याद आ गई, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही आपको ऐसी लोकेशन मिलेगी, ऐसे बड़े बड़े घर, और सिडनी में ऐसा नहीं है, और काफ़ी कह सकते हैं कि खुली लोकेशन है और कंजस्टेड नहीं है लाइक सिडनी और जो अलग ऑस्ट्रेलिया की लोकेशंस आ जाती है। बाकी ऑल ओवर अब जाके लोकेशन पे देखते हैं कि ये बीच कैसा है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का कह सकते हैं कि बढ़िया रहा है, और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करने को मिल जाए सुबह सुबह। और यहाँ तक आने में मुझे लगे है टोटल 5 बजे स्टार्ट किया था, और अब आई गेस 9 बज गया है, तो लगा लो हिसाब किताब 4-5 घंटे लग गए। कि जैसे समुद्र का पानी है ना, वही पानी इसमें आता रहता है और स्विमिंग पूल को भरता रहता है, और एक तरह से ये साइकिल चलती रहती है जिससे पानी फ्रेश रहता है। इसमें साथ के साथ यहाँ पे ये है कि लेस मेंटेनेंस होती है, और जिनको स्विमिंग नहीं आती या जो ओशन में नहीं चाहते कि स्विमिंग करनी है, तो यहाँ पे आके वो स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे जो न्यूकासल बीच है इसका एक वॉकिंग टूर देने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैसा है, यहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्या सर्विसेज आपको मिल सकती है यहाँ पर, और माहौल कैसा रहेगा। जैसे कि हमने अभी तक जितने भी बीच कवर करे हैं ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में, जो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ आपको कि आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा, पर ये चीज़ रहती है कि कहीं ना कहीं आपको एक फैसिलिटीज़ के बारे में पता लग जाएगा बिफोर, अगर आप किसी ट्रिप पे आ रहे हो, और अगर ऐसी लोकेशन पे आ रहे हो न्यूकासल में सिडनी से, तो आपको पता होगा किस लोकेशन पे जाना है और किस लोकेशन पे हमें कौन सी सर्विसेज मिल सकती है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं ब्लॉग स्टार्ट, और आगे का दिखाता हूँ। Choppers, better cook those wrists, cold butter my fists, we fire starters, starters, one out of a million, we'll reach those heights, always gonna feel that I won't
आगे का ब्लॉग स्टार्ट। जो पहले मैं जिस बीच पे गया था वो न्यू कासल बीच था, पर मेरा बीच था वो दूसरे नोबी बीच का प्लान। वैसे ये दोनों बीच एक दूसरे के आसपास ही लोकेट करते हैं, पर जो ट्रेन है, जो लाइट ट्रेन के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, उसने मुझे सीधा न्यू कासल बीच पे छोड़ा। तो मुझे लगा कि वो नोबी बीच है, बाद में जाके पता लगा कि वो न्यू कासल बीच है, पर वो भी फेमस बीच है और यहाँ का कह सकते हैं कि काफ़ी क्राउड वहाँ पे आता है। तो हमने उसको भी कवर कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्या देखने जा रहा हूँ, नोबी बीच। नोबी बीच पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लाइट हाउस की तरफ चलेंगे। और ये एक तरह से पूरा ट्रैकिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जैसे लोकेशन चेंज करनी है या कुछ और, मतलब ये सीक्वेंस में आता रहेगा। तो चलो करते हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ना एक इन्होंने छोटा सा बच्चों के खेलने का वो भी बना रखा है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेन वगैरह कर सकते हो। बाकी झूले वूले की फैसिलिटी है यहाँ पर, और बीच तो पास में ही है, तो इतना लोग वैसे मुझे लगता नहीं आते होंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग पे ही जाते हैं यहाँ से, और हम भी वहीं जा रहे हैं। तो जो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है नोबी बीच, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ ये है जो न्यू कासल बीच है, वहाँ पे पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग आके सीधा वहीं पे जाते हैं, क्योंकि जो लोकल ट्रेन है, जो लाइट ट्रेन है यहाँ पे, सीधा आपको वहीं पे उतारेगी। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसी बीच पे आना था नोबी बीच। और वैसे कह सकते हैं कि नोबी बीच इतना ज़्यादा घूमने को है नहीं, बाकी अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सीधा अपना न्यू कासल बीच है वहीं पे आना। और ये लाइट हाउस देखना है अगर आपने, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी नोबी बीच इतना मुझे पसंद नहीं आया जितना न्यू कासल बीच पसंद आया। तो चलो आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो जो आप ये पहाड़ से देख रहे हो इसके पीछे है न्यू कासल बीच, और जो ये इस साइड देख रहे हो ये है अपना नोबी बीच। और यहाँ से अगर हम जाएंगे बाय बीच जाएंगे या बाय ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे, वो है अपना लाइट हाउस। तो अब हम जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ। We're closed. Oh, what? तो कह सकते हैं कि जो अपना नोबी बीच है और ये नोबी लाइट हाउस, इट्स अ फेल आइडिया। यहाँ पे भूल के भी मत आना, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी पास में एक दूसरी लोकेशन है, वो है कैनोन पोर्ट। तो वहाँ जाके देखते हैं हमें वहाँ क्या मिलता है देखने को, और वहाँ पे कुछ है या बस कह सकते हैं कि सूखी हवा चला रखी है। तो मतलब ऐसे यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोकेशंस मिल जाएगी, तो कहने को पता नहीं क्या क्या है, पर वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली हमें एक ऐसी लोकेशन मिल गई है जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, और यहाँ पे आप जान सकते हो न्यू कासल की हिस्ट्री के बारे में, कैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने न्यू कासल को प्रोटेक्ट किया था रशियन आर्मी से साथ के साथ। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, काफ़ी चीज़ें देखने को। बाय लक क्या हो या किसी भी तरह मैं एक ऐसी लोकेशन पे आ गया हूँ जो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, वो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मतलब उन दो लोगों से
मतलब उन दो लोकेशन से सबसे बेस्ट लोकेशन है ये वाली, ये आपको बीच के पास पड़ जाएगी जो हमारा न्यू कासल बीच है। तो अब मैं बाद में आपको बताऊंगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो पहले इस लोकेशन को एंजॉय करते हैं और बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। Scratchley was built in 1881 to protect the people from a believed invasion from the Russians. The Russians had a big base at the Lavis Vostok up near the top of Japan. They would come down here because there was a lot of coal here. If they came in here, it was coal that fired their Pacific Fleet. So they petitioned the government to put a fort here. And this fort got built in 1881. And the first part of the fort was this part here, underground, which is up there behind us. This is where they had three guns facing out to sea to protect the seaward approach to Newcastle. Over here, the casemate, those three guns facing the river entry to the port. And then we're here in this western barbette. That's where the third, another gun was that faced the inner harbour to maintain control and order in the harbour. So that was basically that. Stage two was that part over there, which was the barracks for the men. Yes. Good. Thank you so much. तो जो आप ये लोकेशन देख रहे हो यहाँ पे, ये उस टाइम के जो कहते हैं सर्वेंट वगैरह होते थे, जो ऑफिसर्स की कपड़े वगैरह का ध्यान रखते थे, प्रेस वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे कि आई गेस यहाँ पे खाना वगैरह बनता था, ये तंदूर है उस टाइम का, और ये प्रेसिंग के लिए होता होगा अगर कुछ किसी ने यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करनी है। बाकी यहाँ पे जैसे कि टोकरी मिल रही है, लैंप मिल रहा है उस टाइम का रखा हुआ, और ये मग्गा जो हालांकि आज भी हम यूज़ करते हैं इंडिया में काफ़ी जगह पे। इन चीज़ों के बारे में कुछ कह नहीं सकता ये क्या चीज़ है, माइट बी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ होगी ये कुछ, तो लेट्स सी। और ये है प्रेस जो है काफ़ी फेमस, जिसके बारे में आप सब जानते हो, इस्त्री जो इंडिया में भी आज तक लोग यूज़ करते हैं। ओवरऑल उस टाइम पे कि यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, और ये उस टाइम की कंस्ट्रक्शन हो रखी है, और ये चीज़ है कपड़े धोने के लिए, तो उनका ये सिंक वगैरह होता था, तो इतना तो मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने कपड़े धोए नहीं उस टाइम पे। बट लेट्स सी आगे जाके हमें क्या मिलता है। ये छोटा सा एक हैंडपम्प मिलेगा आपको भारत का हुआ, जो आई गेस मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, और ये इन्फॉर्मेशन है सर्वेंट वगैरह कैसे इसको यूज करते हैं। तो जो ये छोटा सा आप देख रहे हो, इसमें सर्च लाइट रखी जाती है उस टाइम पे, ताकि यहाँ पे जो भी समुंदर में हलचल हो रही है उसको देख सके और देख के उड़ा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जेन एक्स ट्रैवल टू। और बाकी ये है कि नेक्स्ट आने वाला व्लॉग होगा, हमारी ट्रैकिंग होगी बोंडाई टू कोगई, जो बीच है उसको कवर करने वाले हैं, मॉर्निंग का होगा सेशन, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़